हाय फ्रेंड्स, आज हम दिखाएंगे कि एरिया क्लियरेंस करके कैसे हम 3D जैसा व्यू पा सकते हैं, वो भी सिंपल सा एंडमिल यूज करके, और उसके साथ अगर थोड़ा सा भेनिंग टूल जैसा कुछ टूल अगर यूज कर दे तो बहुत बेहतर रिजल्ट मिल सकता है और इसमें जल्दी काम भी हो सकता है। तो देखिए, ऐसे सिंपल सा ड्राइंग है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे सिलेक्शन करके कंट्रोल जी ग्रुप कर लिया, फिर F9 प्रेस करके पेज के मिडिल में ले लिया। तो हमें क्या करना है, हमेशा ड्राइंग को ऐसे बनाना है कि थोड़ा सा गैप रहे जिसके अंदर बीट जा पाए। जैसे ये गैप है, ये गैप अगर ज़्यादा छोटा हो जाएगा तो हमें छोटा एंडमिल से इस काम को करना पड़ेगा। तो मैं एक बेसिक दिखा रहा हूँ, इसको फॉलो अप करके आप बना लीजिए, आराम से काम हो जाएगा। देखिए, इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर हम क्या करेंगे, एरिया क्लियरेंस नाम का एक टूल पाथ है, इधर जाएंगे, जाके फिनिश डेप्थ, सपोज हम 6 mm का फिनिश डेप्थ दे रहे हैं, एड इधर क्या करेंगे, सपोज हम 4 mm का एंड मिल लिए हैं, ठीक है, और 6 mm को हम दो बार काटना चाहते हैं, हम 6 mm से भी कर सकते हैं, देख लीजिए। पर 6 mm करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो गैप है, गैप को एक बार ध्यान से देखना पड़ेगा, तो एक बार चेक करके देख लेते हैं। तो देखिए, इसको जूम कर रहा हूं, ये जगह को ऐसे जूम कर लिया, और इधर गैप कितना है, 2 मीटर का डायमीटर है, देख रहे हैं। तो इसमें फिनिशिंग देने के लिए अगर हम ज्यादा मोटा वाला बीट यूज किया तो ये जगह पे फिनिशिंग नहीं आएगा, पर हमें इतना तक आने से ही हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा नहीं होगा वो जगह को हाथ से हम फिनिशिंग दे सकते हैं, नहीं तो क्या करना है, ये जगह को थोड़ा मोटा करके भी रख सकते हैं ऐसे, इसको अनग्रुप ऑल कर लेंगे पहले, फिर देखिए इसको सिलेक्ट करके ये जगह को हम ऐसे एस प्रेस करके फिर ऐसे मोटा कर लेंगे, ठीक है। पर इसमें क्या है, डिजाइन बदल जाएगा, इसलिए ये सब नहीं करेंगे, जितना हमारा है इतना ही रखने देंगे और हम इसको 4 mm बीट से कंप्लीट कर देंगे। छोटा छोटा जो जगह है जिधर बीट नहीं जा रहा है उसको हाथों से थोड़ा बहुत फिनिशिंग करना पड़ेगा। तो हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, फिर टूल पाथ में जा रहे हैं, फिर एरिया क्लियरेंस वाला टूल पर सिलेक्ट करेंगे और फिनिश डेप्थ दे रहे हैं 6 mm, और ये ऐड वाला ऑप्शन पे जाके सपोज अब 4 mm एनविल यूज कर रहे हैं तो इधर स्टेप डाउन देंगे 3 mm 3 mm, दो बार हमारा काम होगा, एक बार में नहीं करेंगे क्योंकि एक बार में करेंगे तो बीट के ऊपर जो प्रेशर आ जाएगा उसमें क्या है, आपका मेटेरियल के ऊपर जब बीट चलेगा कभी कभी क्या है बीट टूट भी जाता है तो उसमें काम आपका खराब हो जाएगा, इसीलिए ये सब मत कीजिए। आप स्टेप डाउन 3 mm देके दो बार में चलाइए, और अगर आप चाहते हैं कि एक बार में चलाएंगे तो वो मटेरियल अगर सॉफ्ट हो, ज़्यादा हार्ड ना हो, तभी आप कर सकते हैं। पर मेरा जितना एक्सपीरियंस है, स्टेप डाउन अगर 6 mm को दो बार में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा फिनिशिंग आएगा और आपका मशीन पे ऊपर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं आएगा। फीड रेट इधर 120 रखिए, प्लांग रेट 80 रखिए, ओके सिलेक्ट। फिर हम क्या करेंगे, हमारा मटेरियल सपोज 15 mm का है, 15 mm रखिए, ओके नाउ ऑप्शन पे क्लिक। अभी देखिए टूल पर इस तरह से बन जाएगा, फिर क्लोज। अभी क्या करना है, सिमुलेशन देखेंगे, सिमुलेशन में देख लीजिए, इस तरह से दो में हमारा ये काम हो जाएगा, ठीक है। और एक बात, इसका जो बॉर्डर वाला जो जगह है, ठीक है, ये बॉर्डर वाला जगह में अगर थोड़ा हाफ राउंड जैसा शेप देना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो भी बोल रहा हूं। उसके लिए करना क्या है, ये जो हमारा लाइनिंग है, ठीक है, इस लाइनिंग के ऊपर हमें कुछ काम करना है। इधर ये जितने सारे हमारा लाइन है, सब लाइन को हम पहले सिलेक्ट कर लेंगे, ये हो गया, इसको बंद रखिए। फिर क्या है, अंदर वाला जो लाइनिंग है खाली इसको सिलेक्ट करेंगे, करने के बाद छोटा सा भेनिंग टूल लेंगे,
तो छोटा सा कितना छोटा लेंगे वो इधर से नापना पड़ेगा, देख लीजिए ये गैप कितना है, देखिए पहले लगभग 4 mm का गैप पकड़ के आप चलिए, ठीक है इधर से देख लीजिए 4 mm। तो हमें क्या करना है, 3 mm वाला वेनिंग टूल यूज करना पड़ेगा, मतलब एकदम छोटा सा। तो 3 mm वाला यूज करेंगे तो 1.5 mm का हाफ राउंड बनेगा, और बीट कैसे दिखेगा वो भी दिखाता हूँ। बीट इस तरह का होगा, बीट का नीचे वाला हिस्सा इस तरह का होगा, ठीक है। तो ये अगर 1.5 mm, ये 1.5 mm होगा तो 3 mm, तो ये जब जाएगा डिजाइन को खराब नहीं करेगा, ठीक रहेगा। तो हम वो करके दिखा रहा हूँ, देख लीजिए इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर टूल पाथ में जाएंगे और सेंटर अलोंग फीचर करेंगे, और इधर फिनिश डेप्थ कितना देंगे, 3 mm, ठीक है। फिर इधर से 3 mm वाला वेनिंग टूल हम सिलेक्ट कर लेंगे, देखिए ये है वेनिंग टूल। तो हम एडिट ऑप्शन में जाएंगे, एक सेकेंड पहले कॉपी कर लेता हूँ, देखिए एक स्टैक कॉपी बन गया। फिर एडिट ऑप्शन में जाएंगे तो 3 mm का बीट यूज करेंगे, तो इधर लिखेंगे 3 mm, ठीक है। मतलब ये जो राउंड है ये राउंड रहेगा 1.5 mm 1.5 mm दोनों साइड में, तो इधर फिर 3 mm, ठीक है। फिर इधर फिट रेट जो है इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ, प्लांग रेट रख रहा हूँ, ठीक है। आर्क रेडियस जो है 3 mm तो 1.5 mm होगा, 1.4 रख रहा हूँ, अब ठीक है 1.5 नहीं 1.4, ठीक है सिलेक्ट। इसके बाद क्या करेंगे, नाउ ऑप्शन पे क्लिक, क्लोज। फिर इस टूल पाथ को चला के दिखा रहा हूँ, देखिए देखा। तो इसमें क्या होगा, ये जो जगह है ये राउंड इस बन जाएगा, ये बॉर्डर वाला जगह, और इसमें अच्छा दिखेगा भी। तो इस तरह से इस काम को आप पूरा कीजिए तो बेहतर रिजल्ट आएगा और जल्दी काम खत्म हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक।